तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा बैल, हमारा शहजादा जो है जू के अंदर आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। देखें ये धूल उड़ रही है, ये हम इसके ऊपर रख देंगे। ओए होए, ये अभी सुबह सुबह का टाइम है। हमारा रैबिट जो है ना, बेबी रैबिट, ये हांफ रहा है गर्मी की वजह से। देखा है, छाती जमीन पे लगा रहा है ठंडी जगह पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब भी मैं यहाँ पे बात करता हूँ ना, तो ये मुर्गे जो हैं वो बोलना शुरू हो जाते हैं। बहरहाल जी, अल्हम्दुलिल्लाह आज सोलर लगाया जाएगा और यहाँ पे पंखा भी लगाया जाएगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। अभी गर्मी जो है बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो अब 7 बज रहे हैं सुबह के और गर्मी की शिद्दत इंतहा है। बाहर देखें वो, ये टर्की अंदर जा रहा है, बस ये डक्स हैं। और उसके अलावा हमारा वो रैबिट छांव में वहाँ पे 2 हैं छांव में। धूप में कोई परिंदा, कोई जानवर नहीं है। ये देखें हमारी मोरनी और मोर हांफ रहे हैं। बैटरी जो है वो आ चुकी है और हमारा इंजीनियर जो है ना वो भी आ चुका है। इंजीनियर कहूँगा मैं, इलेक्ट्रिशियन नहीं कहूँगा। और वो है हमारे अल्ताफ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अल्ताफ भाई जी। जब मेरे पास टॉप एंड टाउन शॉप थी ना, मोबाइल शॉप, तो ये हमारे हमसाये हुआ करते थे। खैर अब भी हमसाये साथ वाले गांव रहते हैं। तो ये जी हमें सोलर का सेटअप लगा के देंगे इंशाल्लाह। पंखा इन्होंने फिट कर दिया, मैं बैटरी लेने गया था मेरे आने से पहले 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 इन्होंने ये पंखा जो है ये फिट कर दिया हुआ है। हाँ जी, प्लेट सारो सामने काना रखनी है। सारा दिन तो रात है, धुप रही है, रात को नहीं रहती, दिन को रहती है। तो हमें क्या ज़रूरत है मट्टी वाले छत पे फिट करने की। जी हमारे सोलर का कनेक्शन हो चुका है, तार लग चुकी है। अल्ताफ भाई ने आते ही झट से काम करना शुरू कर दिया। और अभी जी सबसे पहले हम सोलर पे डायरेक्ट चलाएंगे पंखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी अल्ताफ भाई, अजी एफ सी भी पुठा ला हड़िया है, अजी एफ सी वाले ने मारना नहीं, सीधे ही लाया। माशाल्लाह पंखा हमारा चल गया, माशाल्लाह। सोलर करो सीधा भाई, कैमरे में लग रहा है। जिंदाबाद, अब परे ना खिला दो। वाकई अब हवा तेज हो गई है, ये जा रही है जी परिंदू की तरफ। मजे करो, अब इनको ठंडी ठंडी हवा लगेगी। हवा नहीं चलती, हबस रहती है दिन को रात को। अब दिन रात हमारा पंखा चलेगा, क्योंकि हमारे पास अब बैकअप बैटरी बहुत बड़ी है। सोलर की डायरेक्शन सही की है, बैटरी हमारी बहुत ज़्यादा लो हो गई हुई है, इसलिए अभी इससे कुछ सिस्टम कुछ भी ऑन नहीं हुआ। तो डायरेक्ट हम सोलर पे लगा के रखेंगे, तो इंशाल्लाह कोई 15-20 मिनट में हो जाएगी। अब बल्ब रखे ने, बल्ब जो हैं वो पहले लगे हुए हैं 220 वोल्टेज के, वो चेंज करेंगे, उनकी जगह हम लगाएंगे 12 वोल्टेज के। और इनका कनेक्शन आपको पता ही है, मैंने उतार के ना कैमरों के साथ कर दिया था, तो अभी हम इनका कनेक्शन जो है ना फिर से बहाल करेंगे। हेलो वीर जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, जो छत का काम है ना वो भी साथ में स्टार्ट हुआ है। हो गया चेंज, एनू रहन दे हैं की चाहना है। तो बड़ा बिच उठाड़ा तो तू चल मेरे छत करो जी। 14 हो गई है, बिस्मिल्लाह। अच्छा 8.4 जो है वो बैटरी चार्ज है, और 14.4 जो है वो हमारा सोलर जो है वो दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा सोलर चल गया, बैटरी चल गई, और हम कामयाबी के साथ कामयाब हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बस कनेक्शन वगैरह रहते हैं, उसमें कैमरे का कनेक्शन हो गया, 2 लाइट्स जो है वो लग गई हैं, बल्ब लग गए हैं, उनके कनेक्शन हो गए हैं। अब मोटर का कनेक्शन जो है वो रहता है, उसके अलावा फिर वो बोर्ड जो हम सामान लेके रखा हुआ है हमने, वो हम लगाएंगे इंशाल्लाह फिर, जिससे हम सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकें। फिलहाल जी हमारी बिजली जो है वो चल चुकी है हमारे ज़ू में अल्हम्दुलिल्लाह। मोटर चलाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन मोटर नहीं चली, फिर हमने पंखा जो है ये यहाँ पर ला के चलाया, लेकिन पंखा भी नहीं चला। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रही, या तो फिर वायर जो है वो हल्की है उस वजह से, या फिर वायर में कोई मसला हो गया हुआ है उस वजह से। तो अभी हमारे पास पूरा एक रूल जो है, बंडल जो है वो वायर का पड़ा हुआ है, उस पे लगा के देखेंगे। अगर तो उस पे पंखा चल गया तो हम ये सारी की सारी वायर ही चेंज कर देंगे, अगर उस पे भी नहीं चला तो इसका मतलब ये है वायर हल्की है, या इतनी लंबी लेंथ में मोटर हमारी नहीं चलेगी। अरे दो सिरे देखो, हम दोनों नाल कनेक्ट करो फिर चलाओ। नहीं
इतनी लंबी तार नहीं चलेगी, फिर हमें एक प्लेट और लेकर, हाँ एक प्लेट और लेके आनी पड़ेगी। बस प्लेट वहाँ पे लेके गए, मोटर चलाई और प्लेट वापस ले आए, सोलर प्लेट। ये देखा, ये पंखा चल गया। अब ये डायरेक्ट चला है, ऐसे नहीं चला, लेकिन वो वायर में नहीं चलता, इतनी लंबी वायर में, या फिर वायर हालांकि कॉपर में थी लेकिन शायद भाई भाई इसको वो सूट नहीं करती। अभी बैटरी जो है घर में ला के इसको चार्जिंग पे लगाया है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गई थी, तो अभी 9.8 है, यानी ये सारी रात चार्जिंग पे रहेगी तो फुल होगी। बाकी जब फुल हो जाएगी फिर आसानी के साथ हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बाहर पता क्या हो रहा है, बाहर जो है बहुत ही तेज हवा चली है अचानक से। ये देखिए इधर से बादल आ रहे हैं, इधर से भी बादल आ रहे हैं, हर तरफ से, इधर कम है लेकिन हर तरफ से बादलों ने घेर लिया हुआ है, हवा चल रही है। जल्दी से जूम में चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं क्या सूट है। आज बहुत गर्मी रही है। बैटरी जो बड़े वाली थी ना, वो वहाँ पे चार्ज नहीं हो रही थी, उसको चार्जिंग पे लगाया। छोटे वाली हमारे पास थी, उसको हमने लगा दिया साथ में, तो इनशाला वो सोलर ने चार्ज कर दी होगी। मोटर हमारी पानी वाली नहीं चली। ओ उधर इतनी ज्यादा धूल मट्टी उड़ रही है ना, इधर भी है लेकिन उधर वो रास्ता है ना, वहाँ से लोग जा रहे हैं। आज मेला भी है साथ वाले गांव और ये वाले गांव। मेला जो है जैन भाई कभी भी मिस नहीं करते, क्योंकि वो इतवार वाले दिन होता है, लेकिन आप वीडियो सोमवार को देख रहे हैं। देखें ये धूल उड़ रही है, ये अब पता नहीं माइक का क्या बन रहा है, लेकिन ये ऐसे ऐसे धूल उड़ती है। जहाँ पे धूल है ना वहाँ पे हवा आती है, उड़ा के ले जाती है। इतनी ज्यादा हवा उड़ी है ना, ये देखें, ये थोड़ा सा पानी था। ओए ऐसी हवा उड़ी थी, जब हमारे मोर का जो ये पिंजरा है ना, ये उड़ गया हुआ था। तो अभी तो मेरे ख्याल से अच्छे से है, अल्लाह करे अच्छे से ही रहे। ओए यार अब पता नहीं माइक का क्या बन रहा होगा। ये अभी बादल सही से नहीं छाए, बादल अभी यहाँ पे हैं, सूरज वहाँ पे है। अल्लाह अकबर। वज़न जो है ना ये हम इसके ऊपर रख देंगे, हवा इसमें जा जाके ना इसको उठा रही है, ये फील हो रहा है उठता हुआ। ओए होए पूरा जोर लग रहा है यार, अब और वजन क्या हो। मेरे ख्याल से लकड़ियाँ जितनी थी दो उस तरफ रखी हैं, दो इस तरफ रखी हैं, मेरे ख़त्म हो गई हैं लकड़ियाँ। या तो हवा कम हो जाए, थम जाए, फिर है इसका क्या किया जाए, इसके ऊपर सीढ़ी रख दी जाए, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। ओके हो गया, बहुत अच्छा किया हमने सीढ़ी रख के, सारा छत जो है वो कवर कर लिया हुआ है सीढ़ी ने। अल्हम्दुलिल्लाह जी बैटरी जो है काफ़ी हद तक ये छोटे वाली चार्ज हो गई है। ये भाई मुबशर के पास हुआ करती थी, इसको हमने सोलर पे चार्जिंग पे लगाया हुआ था। अल्लाह करे कि इसे लगा के अब हमारी मोटर जो है वो चल जाए। अगर ऐसा हो गया ना, इसको चार्ज करके हम इस पे मोटर चला लिया करेंगे, और जो बड़ी बैटरी है ना वो जब कल फुल चार्ज हो जाएगी ना, तो उससे हम जू का सारा सिस्टम चलाएंगे इंशाल्लाह। फिलहाल इस पे चेक करते हैं कि हमारी मोटर चलती है कि नहीं, अल्लाह करे चल जाए। पंखा तो चल गया, तो मोटर भी इंशाल्लाह चली जाएगी। कि हम कामयाबी के साथ कामयाब हो गए। ये देखें हमारी मोटर जो है वो चल गई है। पहले हम अडोप्टर से चलाया करते थे, लेकिन मसला ये है कि अडोप्टर के साथ ना पहले इसको थोड़ा धक्का लगाना पड़ता था। अब हमने बैटरी रखी है और बैटरी पे ये पानी आ रहा है, और कोई धक्का स्टार्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। हम माशाल्लाह हम कामयाबी के साथ कामयाब हो गए। ये अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी मोटर हमने चलाई है 5:25 पे। अब देखना है बैटरी जो है वो कितनी टाइमिंग देती है इंशाल्लाह। फ्रेंकी कैसे चल रही हो? आए आए ओ गई फ्रेंकी, इधर आओ, आजो 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 आजो, चलो चलो पहले चूजा खाओ फिर दूध पियो, या पहले दूध पियो फिर चूजा खाओ। और दूध में मिट्टी डाल दी इस चूजे ने, तो काफ़ी ये पानी जो है भर चुका है, लेकिन वही बात कि मट्टी 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 मट्टी। तो अभी से फिर थोड़ी सी मट्टी थी, इन्होंने ज़्यादा कर दी, लेकिन ये ऊपर ऊपर से ना हमारे पास वह जाली है जिससे हम स्विमिंग पूल को साफ़ कर सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल हमारी मोटर जो है वो चल रही है यहाँ पे। तो मज़े करो परिंदो, मज़े करो। अभी जी हम अपने शहजादे को लेके आते हैं जू में इंशाल्लाह। चलो 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 चलो, शाबाश।
अब की बार मैं अकेला नहीं हूँ ना, तो ये अभी भी जड़ी बूटियों में घुस रहा है, कल भी इसने ऐसे ही किया था। अभी चलो 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 चलो, शाबाश। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम खेत में पहुँच चुके हैं और बैल आ चुका है। साथ ही खेत है भाई जुल्फकार का, उन्होंने चारा उगाया हुआ था तो उनसे हमने कुछ चारा जो है वो ले लिया हुआ है। शहजादे के लिए यहाँ से चारा काटेंगे और उसको खिलाएंगे। आज पहली दफ़ा वो चारा खाएगा हमारे हाथ से इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी चारे को ना कुतरने के लिए हमारे पास कोई चीज़ नहीं है जिससे छोटा छोटा किया जाए, तो इसलिए हम छोटा छोटा जो चारा है ना वही काटेंगे ताकि उसको खाने में आसानी रहे। इससे आगे वो बड़ा बड़ा भी है लेकिन हम छोटे ही काट रहे हैं। ये वही चारा है जो जुल्फकार भाई कहते थे कि जनाब मैंने बीज डाला, दरमियान में कम डाला, साइडों पर ज़्यादा डाल दिया, मेरी वीडियो में उन्होंने कहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, चारा कट चुका है, ये डालेंगे हम अपने शहजादे को। ओ तेरी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ले जी, आज पहली दफ़ा चारा खाएगा हमारा बैल। अब्बू जान को भी इसका नाम पसंद आया। हमारा प्रिंस जो है हमारे जू के पास आया हुआ है और यहाँ से चारा खा रहा है हमारे नए कुंड में। कुंड भी पहले मैं पिछली वीडियो में ज़्यादा मैं इसको गांडी कह रहा हूँ लेकिन ये कुंड है। गांड होता है जिसमें गुड़ वगैरह बनाते हैं, ये कुंड है जिसमें जानवरों को चारा दिया जाता है और वो लकड़ी का होता है, और जो मिट्टी और सीमेंट ईंट का होता है ना उसे हम खुरली बोलते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, खाओ खाओ मज़े करो। जब भी कोई जानवर जो है ना अगर खाना खाता हो तो उसे डिस्टर्ब कभी भी नहीं करना चाहिए, भले वो बिल्ली हो, मार्शल हो या शहजादा हो, कोई भी जानवर हो, खाते हुए नहीं डिस्टर्ब करना क्योंकि वो बुरा मान जाते हैं। और जो काटी कर सकता है वो काटी करेगा, जो मार सकता है वो मारेगा, जो बुरा फील करता है वो बुरा फील करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पानी जो है वो पिला दिया जाएगा, साथ में पानी भी रखते हैं। शो शो, अगर पीना तो जनाब आप पी सकते हैं। यार क्या कर रहे हो, मार खाओगे? खानी है खानी है? कितना बड़ा हो गया, ये वही मार्शल है जो सड़क पे चौ 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 कर रहा था। अब देखो ये सेहत इसकी, अब सेहत देखे, अब दूध पीता है, पता नहीं क्या क्या खाता है, माशाल्लाह तो सेहतमंद हो गया है। बट पड़ गया। और ओए पट्टा किधर है? पट्टा गिरा दिया। पट्टा जो है ना मुझे लगा कि वो टाइट है, एक पॉइंट मैंने छोटा मतलब खोला है, बड़ा किया तो अब इसके गले में पट्टा ही नहीं है। पता नहीं खुद उतार दिया या खुल गया, क्या हुआ है। लेकिन नया पट्टा हमारे पास है, वो डालेंगे इसको ब्लू। हाँ मुझे लगा ब्लू कलर है लेकिन ये ग्रीन कलर है। अभी देखते हैं कौन सा साइज इसे फिट आएगा। आ जा भाई आ जा। ओए ओ तेरी, ये देख मुंह भी आ गया हुआ है, चल परे। यहाँ पे ये जी सबसे तंग हम करेंगे इसे, बाकी क्लोज। ओए पीछे रख, पीछे मार्शल नहीं करना, आराम से यार आराम से। तो ये जी पट्टा इसका आ गया, प्यारा छा मुन्ना छा। ये देखे जी रो छो जो फाचा, चलो भागो भागो भागो, हाथ धोने पड़ेंगे। अब पहला पट्टा गया, अब दूसरा पट्टा इसको मैंने पहना दिया, ये भी प्यारा है। ए क्यूट लग रहे हो, आए इसे नहीं पसंद। बगैर पट्टे के घूमोगे ना तो लोग आवारा कुत्ता समझ गए ना, मारेंगे। हो वाओ माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूल जो है ना बतखों का ये फिलअप हो चुका है, भर चुका है, अब तो लेवल हो गया। और ये पानी देखें यहाँ से बहा भी है, नीचे चला गया हुआ है क्योंकि मोटर ज़्यादा देर चलती रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह मोटर ने हमें तंग नहीं किया, परेशान नहीं किया, उसने पूरा साथ दिया, मोटर ने नहीं बैटरी ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने खुद बैटरी बंद की है, मतलब मोटर बंद की है, और भी ज़्यादा मोटर को चला सकते थे बैटरी के साथ। तो इंशाल्लाह अब छोटी बैटरी घर पे चार्ज कर लिया करेंगे, बड़ी बैटरी अगर ठीक हो जाती है, इंशाल्लाह हो जाएगी फुल जब चार्ज होगी ना, तो वो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे वो सोलर पे इंशाल्लाह। माशाल्लाह हमारा शहजादा जो है ना उधर से आया इधर से आया, जो हमने डाले थे ना पट्टे वो खा चुका, बस थोड़े से रहते हैं। ओए पिछट अपने वो, अभी इसको जू के अंदर लेके जाएंगे। चलो भाई चलो, अब मुझे नहीं लगता दरवाज़ा छोटा देख के ये जाएगा जाएगा जाएगा। चलो अपने घर, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा बैल, हमारा शहजादा जो है जू के अंदर आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये रहा, मौज करो। खैर जी अभी ये देखा इसके पाउंडी से धनस रहे हैं, इसका आराम करो आराम करो।
इसकी अब जगह यहाँ पे इस दरमियान में बनानी पड़ेगी। ये जा रहा है वापस, तो रात को इंशाल्लाह कमर भाई के यहाँ बांध दिया करेंगे। तो खैर जी, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और इसी दुआ के साथ ख़त्म करते हैं कि अपनों में रहें, अपनों में खुश रहें और अपनों को खुश रखें और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।